हेलो दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल टू द साहस इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स। अकाउंटिंग फॉर सेट कैपिटल वाले चैप्टर में आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट सेशन एंड दैट इज जर्नल एंट्रीज। याद रखना, यहां से हमारे एग्जाम्पल ओरिएंटेड सेशन स्टार्ट हो रहे हैं, तो इस सेशन को बहुत ध्यान से देखना। अगर आपने थोड़ा भी नेग्लिजेंस रख दिया तो इससे आपको नॉलेज ओरिएंटेड भी प्रॉब्लम होगी और एग्जाम ओरिएंटेड भी रिजल्ट लाने में दिक्कत हो जाएगी। तो इस सेशन को आप लोगों को ध्यान से समझना है। हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था कि कंपनी जो है वो अपने सेल तीन मेथड पे इश्यू कर सकती है, जिसमें सबसे पहला था कि कंपनी कैन इश्यू शेयर्स एट पार, यानी कि फेस वैल्यू पे। सेकंड था कंपनी कैन इश्यू शेयर्स एट अ प्रीमियम, एंड थर्ड था कंपनी कैन इश्यू शेयर्स एट डिस्काउंट। और उसमें से जो पहला वाला ऑप्शन है कि व्हेन शेयर्स आर इश्यूड एट पार, उसी की जर्नल एंट्री हम आज के इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। तो इस सेशन को आप लोग बहुत ही ध्यान से समझना। देखो, आपको एग्जाम्पल में जर्नल एंट्री पास करनी होगी, तो ऑब्वियस है कि जर्नल एंट्री में सबसे पहले आपको जर्नल एंट्री का टाइटल देना पड़ेगा कि जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ साहस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अब यहाँ पे नाम आपको जो एग्जाम्पल में दिया होगा वो यूज करना है। उसके बाद जर्नल एंट्री का फॉर्मेट आपको याद होना चाहिए। जर्नल एंट्री का फॉर्मेट क्या था जो हम 11th स्टैंडर्ड से स्टडी कर रहे हैं? सबसे पहले आएगा डेट का कॉलम, देन आफ्टर पर्टिकुलर कॉलम, जो पर्टिकुलर का कॉलम थोड़ा बड़ा होता है। पर्टिकुलर के बाद आएगा LFN नंबर, यानी कि लेजर फोलियो नंबर, देन डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। ये फॉर्मेट बेसिक सा है, यहाँ पे मैं फॉर्मेट का डिस्कशन नहीं करने वाला हूँ, वो 11th में हमने अच्छे से किया हुआ है। यहाँ पे अब उसके बाद हमें एंट्रीज पास करनी होगी, तो कौन से ट्रांजैक्शन के लिए क्या एंट्री होगी वो हमें डिस्कस करनी है। तो देखो, हम याद करें हमारे प्रीवियस थ्योरेटिकल सेशन को, तो कंपनी जो अपने फेस वैल्यू की अमाउंट होती है, फॉर एग्जांपल वो है 10 रुपए, तो कंपनी 10 के 10 रुपए एक साथ नहीं मंगवाती है, कंपनी इसको पार्ट में पैसे मंगवाएगी कि भाई पहले आप थोड़े इतने पैसे दो, फिर बाद में इतने देना, और बाकी जो बचे वो इस तरह से देना। दैट मींस कि यहाँ पे पहले टाइटल समझो, व्हेन शेयर्स आर इश्यूड एट पार, जिसका मतलब क्या होता है कि फेस वैल्यू 10 रुपए है और वो शेयर कंपनी ने पब्लिक को भी 10 रुपए में ही दिया, तो इट इज कॉल्ड शेयर्स आर इश्यूड एट पार। अब दूसरी एक चीज याद रखना, द टोटल अमाउंट ऑफ शेयर प्राइस कैन बी कॉल्ड बाई कंपनी विद, अलग अलग पार्ट में मंगवाएगी। जो मैंने पहले भी कहा कि कंपनी अपनी जो प्राइस है वो एक साथ नहीं मंगवाएगी, यहाँ पे आपको एग्जांपल में क्या होगा, कंपनी इसको अलग अलग पार्ट में मंगवाएगी। तो जिसमें सबसे पहला जो पार्ट होता है उसको कहा जाता है एप्लीकेशन, याद रखना ये वर्ड्स इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो पार्ट मंगवाएंगे उसको कहेंगे अलॉटमेंट, और उसके बाद जितने भी पार्ट आएंगे उसको हम कहेंगे कॉल्स। तो कंपनी अपने शेयर की प्राइस की अमाउंट जो है वो अलग अलग पार्ट में मंगवाएगी, जिसमें पहले पार्ट को कहेंगे एप्लीकेशन, सेकंड को कहेंगे अलॉटमेंट, और तीसरों को कहेंगे कॉल्स। तो यहाँ पे आपको जो एंट्री भी होगी वो एप्लीकेशन की एंट्री आएगी, अलॉटमेंट की एंट्री आएगी, और कॉल्स की एंट्री आएगी। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं एप्लीकेशन की। तो कंपनी को जब एप्लीकेशन के ऊपर पैसे मिलते हैं, यानी कि सबसे पहला वाला पार्ट जो कंपनी शेयर का मंगवाती है, जिसको हम कहते हैं शेयर एप्लीकेशन, यहाँ पे आपको 3 एंट्री हो सकती है, बेसिकली 2 ही एंट्री है, पर अगर आप चाहो तो सेपरेट एंट्री पास करके 3 भी कर सकते हो, कुछ सिचुएशन के अंदर में ही होगा, बाकी सारी सिचुएशन में ऐसा नहीं होगा। वो कब क्या होगा वही हमें डिस्कस करना है। तो याद रखना, एप्लीकेशन के अंदर हमारी जो सबसे पहली जर्नल एंट्री होती है वो है व्हेन एप्लीकेशन मनीज आर रिसीव्ड, कंपनी को सबसे पहले वो शेयर एप्लीकेशन के टाइम पे पैसे मिलेंगे। शेयर होल्डर्स जो शेयर खरीदना चाहते हैं वो कंपनी को एप्लीकेशन फॉर्म के साथ साथ वो एप्लीकेशन के पैसे भी देंगे कि ये लो हमारे पैसे और हमको शेयर दो। तो सबसे पहले कंपनी को एप्लीकेशन के पैसे मिलेंगे, पैसे मिलेंगे तो ऑब्वियस है कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, बैंक अकाउंट। यहाँ पे कैश अकाउंट नहीं लिखना है क्योंकि जो शेयर के पैसे होते हैं वो बैंक के थ्रू ही आते हैं, तो यहाँ पे होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू। ये पैसे कौन सी चीज के मिले हैं, तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन के ये पैसे है, तो क्रेडिट होगा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। याद रखना, जर्नल एंट्री क्या होगी, व्हेन मनी इज रिसीव्ड विद एप्लीकेशन,
बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। और यहाँ पे अमाउंट वाले कॉलम में अमाउंट कौन सी लिखेंगे, तो अमाउंट कौन सी आएगी, तो नंबर ऑफ शेयर एप्लीकेशन रिसीव्ड, मतलब पब्लिक के पास से जितने शेयर के लिए एप्लीकेशन आई है वो शेयर, इनटू एप्लीकेशन मनी पर शेयर, जो आपको एग्जांपल में दिया होगा कभी एप्लीकेशन के वक्त कंपनी ने 4 रुपए मंगवाए या 3 रुपए मंगवाए या जो भी है, तो वो एप्लीकेशन मनी पर शेयर इनटू नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड फ्रॉम द पब्लिक, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके जो अमाउंट मिलेगी वो हम डेबिट और क्रेडिट के अमाउंट के कॉलम में लिखेंगे। तो सबसे पहली एंट्री क्या होती है, व्हेन एप्लीकेशन मनी इज रिसीव्ड फ्रॉम द शेयर होल्डर्स, तो एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। अब दूसरी जो एंट्री है वो एक्सेप्शनल केस में ही आ सकती है, वो क्या है, व्हेन एक्सेस एप्लीकेशंस आर रिजेक्टेड और रिफंडेड, मतलब के कंपनी ने जितने टोटल नंबर ऑफ शेयर इश्यू किए उससे भी ज्यादा नंबर ऑफ शेयर के लिए एप्लीकेशन आ जाती है, तो उसको हम टेक्निकल टर्म में कहते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। और उसमें कंपनी क्या कर सकती है, तो जो एक्सेस एप्लीकेशन होगी कंपनी उसको रिजेक्ट करके उसके पैसे वापस कर देगी। तो सेकंड केस है व्हेन एक्सेस एप्लीकेशंस आर रिजेक्टेड, तो देखो पहली एंट्री में पैसे मिले थे, दूसरी एंट्री में हम वो पैसे वापस कर रहे हैं, एक्स्ट्रा है वो, तो पहली एंट्री की एग्जैक्ट ऑपोजिट एंट्री आने वाली है। तो सेकंड एंट्री क्या होगी, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि हम लोग पैसा वापस कर रहे हैं। और यहाँ पे अमाउंट कितनी होगी, तो जितने शेयर हमने रिजेक्ट किए यानी कि नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिजेक्टेड इनटू एप्लीकेशन मनी पर शेयर जो हमें मिले थे इनटू जितने शेयर हमने रिजेक्ट किए, दोनों का मल्टीप्लीकेशन करके जो अमाउंट आएगी वो हम अमाउंट के कॉलम में लिखेंगे। और अब जो शेयर बचे थे वो पहले पैसे मिले, जो कुछ एक्स्ट्रा पैसे थे वो हमने वापस कर दिए, अब जो बैलेंस एक्चुअल बचा वो पैसों को हमें कहां ट्रांसफर करना होगा, उसको हमें ट्रांसफर करना होगा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में। तो तीसरी एंट्री होगी एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। देखो टाइटल पर से ही हमें एंट्री पता चल जाएगी, एप्लीकेशन के अमाउंट को कैपिटल में ट्रांसफर करना है, तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन को इक्विटी शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करना है, तो उसकी जर्नल एंट्री बनेगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। फिर से क्या होगा, थर्ड केस, एक्सेस एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी, उसके बाद जो बैलेंस बचा उसको हम शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे, तो एंट्री होगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। और यहाँ पे अमाउंट कौन सी आएगी, तो जो पहली एंट्री में टोटल अमाउंट थी उसमें से सेकंड एंट्री में हमने जो रिजेक्ट किया उसको माइनस कर देंगे, तो जो बैलेंस बचेगा उसी से ये तीसरी एंट्री आने वाली है। तो थर्ड एंट्री की अमाउंट कौन सी होगी, एंट्री नंबर 1 माइनस एंट्री नंबर 2 की अमाउंट, यानी कि बैलेंस अमाउंट। और एक चीज यहां पे, अगर आप सेकंड और थर्ड एंट्री को कंबाइन करके एक ही एंट्री लिखना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप दोनों को अलग अलग रखो तो आपके लिए अच्छा है। पर अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है कि सर मुझे कंबाइन प्रैक्टिस करनी है, तो कंबाइन एंट्री भी आप कर सकते हो, वहां पे जो रिजेक्ट करने वाली है वो एंट्री और कैपिटल में ट्रांसफर करने वाली एंट्री मिक्स हो जाएगी, क्योंकि आप देखो दोनों एंट्री में इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट ही है, तो कंबाइन एंट्री के अंदर भी आपको इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कर देना होगा टोटल अमाउंट से, उसमें से जो एक्सेस एप्लीकेशन के पैसे वापस करने हैं, जो कि यहाँ पे हमने टू बैंक अकाउंट क्रेडिट किया था, वो यहाँ पे कर देंगे टू बैंक अकाउंट। और इसके बाद जो बैलेंस बचा, मतलब ये टोटल इक्विटी शेयर एप्लीकेशन की अमाउंट में से बैंक की अमाउंट माइनस कर दोगे, तो जो बैलेंस बचा उसको टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट करके ये कंबाइंड एंट्री आप पास कर सकते हो। वैसे मैंने मेरा ओपिनियन कह दिया कि सेपरेट लिखना ज्यादा एडवाइजेबल है। तो फिर से एक बार एप्लीकेशन की तीन एंट्री, पहले एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, सेकंड एक्सेस एप्लीकेशन रिजेक्टेड, फर्स्ट एंट्री की ऑपोजिट एंट्री होगी वो क्या होगी, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, पहले में बैंक अकाउंट डेबिट हुआ सेकंड वाले में बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। और तीसरा बैलेंस ऑफ शेयर एप्लीकेशन इज ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल, तो वहां पे एंट्री क्या होगी, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे आप एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और अपने माइंड में सारी एंट्रीज को रिकॉल करके अपनी नोटबुक में भी एक बार लिख लीजिए। चलिए
अब हम आगे बढ़ते हैं, सेकंड स्टेज वो है अलॉटमेंट। देखो एप्लीकेशन के बाद कंपनी पैसे मंगवाती है, उसको कहते हैं अलॉटमेंट। अब यहां से अलॉटमेंट कॉल, उसमें आपको दो दो एंट्री ही पास करनी है। वो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन रिजेक्ट वाली एंट्री जो थी वो सिर्फ एप्लीकेशन में ही होती है, अलॉटमेंट और कॉल में नहीं होती है। तो यहाँ पे आपको दो दो एंट्री ही रखनी है यार, और ये दो एंट्री भी कोई नई नहीं है, जो एप्लीकेशन वाले में आपने स्टडी कर लिया वही है। एप्लीकेशन वाले में जो तीसरी एंट्री थी शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करने वाली, वो यहाँ पे हमें पहले लिखनी होगी, और उसके बाद मनी रिसीव्ड वाली एंट्री होगी। याद करो एप्लीकेशन में क्या किया, एप्लीकेशन के वक्त हमको पहले पैसे मिले उसकी एंट्री पास की, और उसके बाद शेयर कैपिटल में ट्रांसफर किया। जबकि अलॉटमेंट और कॉल दोनों में क्या हो जाएगा, पहले हम शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे और उसके बाद वो पैसे रिसीव होगी, उसकी एंट्री पास कर दी है। तो यहाँ पे अलॉटमेंट में अलॉटमेंट मनी कॉल्ड फ्रॉम शेयर होल्डर, या तो फिर अलॉटमेंट मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। देखो आपको यहाँ पे कहीं पे भी एग्जाम में सम में टाइटल लिखने की जरूरत नहीं है, आपको सीधी जर्नल एंट्री लिखनी है। पर आपको याद रहे कि हम कौन सी एंट्री लिख रहे हैं, इसके लिए मैं आपको टाइटल समझा रहा हूं। तो टाइटल हमारा फोर्थ एंट्री का क्या होगा, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट की अमाउंट को इक्विटी शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। तो जैसा हमने एप्लीकेशन में इक्विटी शेयर कैपिटल में ट्रांसफर किया था, बिल्कुल वैसी ही एंट्री होगी, सिर्फ एप्लीकेशन की जगह पे अलॉटमेंट हो जाएगा। देखो यहाँ पे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल था ना, तो यहाँ पे हम एप्लीकेशन की जगह पे हम कर देंगे अलॉटमेंट। देखो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, मतलब कुछ नया याद नहीं रखना है, सिंपली जो एप्लीकेशन को ट्रांसफर करने वाली एंट्री थी वही की वही रिपीट होगी, एप्लीकेशन की जगह पे अलॉटमेंट हो जाएगा। और अमाउंट कितनी आएगी, तो नंबर ऑफ शेयर इनटू अलॉटमेंट मनी पर शेयर, जो कि आपको एग्जांपल में बताया होगा, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके जो अमाउंट आएगी उसको हमें अमाउंट वाले कॉलम में डेबिट और क्रेडिट साइड पे लिखना होगा। और उसके बाद पहले ट्रांसफर कर दिया, अब अलॉटमेंट के पैसे मिलेंगे, तो जो हमने एप्लीकेशन के टाइम पे पहली एंट्री लिखी थी ना, बिल्कुल वही एंट्री होगी। देखो बैंक अकाउंट डेबिट इक्विटी सर एप्लीकेशन अकाउंट था, बस यहाँ पे एप्लीकेशन की जगह पे अलॉटमेंट कर देंगे। देखो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी सर अलॉटमेंट अकाउंट, एप्लीकेशन की जगह पे अलॉटमेंट कर दिया, बस इतना ही फर्क है। अदरवाइज ये जो एंट्री है, ये अभी हमने थर्ड नंबर की एंट्री की वो, और ये फिफ्थ वाली हमने पहले नंबर की जो एंट्री डिस्कस की, बिल्कुल वैसी ही है। तो फिर से एक बार अलॉटमेंट की दो एंट्री, पहले अलॉटमेंट की अमाउंट को शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे, तो एंट्री होगी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और उसके बाद सेकंड ये अलॉटमेंट के पैसे मिलेंगे, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब फाइनल कॉल में, तो कॉल में सेम अलॉटमेंट जैसी ही एंट्री रहेगी वही सीक्वेंस में, सिर्फ अलॉटमेंट की जगह पे हो जाएगा कॉल। तो पहले हमने क्या किया, अलॉटमेंट के पैसे मंगवाए और उसको ट्रांसफर किया कैपिटल में, और उसके बाद दूसरी में वो अलॉटमेंट के पैसे मिले थे, तो सेम यही चीज कॉल में भी होगी। पहले कॉल की अमाउंट को ट्रांसफर करेंगे इक्विटी से कैपिटल में, और उसके बाद वो कॉल के पैसे मिलेंगे। तो यहाँ पे ये जो सिक्स्थ नंबर की एंट्री है, वो जो अभी हमने फोर्थ नंबर की एंट्री की, बिल्कुल वैसी ही होगी, इक्विटी सेट अलॉटमेंट की जगह पे हो जाएगा सिर्फ कॉल। तो इक्विटी सेट कॉल अकाउंट, या तो फिर इक्विटी सेट फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल, वो एग्जांपल में जो दिया होगा उसके हिसाब से, अकाउंट डेबिट टू इक्विटी सेट कैपिटल अकाउंट। और अमाउंट कितनी होगी, तो जितने नंबर ऑफ शेयर्स होंगे वो इनटू कॉल मनी पर शेयर, जो एप्लीकेशन का हिस्सा दिया था वो एप्लीकेशन में गया, अलॉटमेंट का अलॉटमेंट में, और बाकी के जो पैसे कॉल के साथ कहे होंगे एग्जांपल में, वो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई में यूज करेंगे। तो एंट्री होगी इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और फिर ये कॉल के पैसे एक्चुअली में कंपनी को मिलेंगे, तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट। और कितनी अमाउंट आएगी, तो जितने नंबर ऑफ शेयर पे पैसे मिले होंगे वो, तो नंबर ऑफ शेयर ऑन विच मनी इज रिसीव्ड इनटू कॉल मनी, जितने शेयर के ऊपर पैसे मिले होंगे वो नंबर ऑफ शेयर इनटू कॉल मनी पर शेयर, वो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये एंट्री की अमाउंट मिल जाएगी। तो यहाँ पे हमारी सातों की सातों एंट्री जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो क्लियर हो गई है। अब यहाँ पे आप सुपर फास्ट रिवीजन के लिए क्या करोगे, तो आप इस वीडियो को पॉज कीजिए, मैंने सभी के टाइटल लिखे हुए हैं, सॉल्यूशन को मैंने लाइट फॉन्ट में रखा है, आप वीडियो को पॉज कीजिए,
टाइटल देखिए और जर्नल एंट्री को माइंड में रिकॉल कीजिए और फिर जो मैंने थोड़े से ब्लर फॉन्ट में आंसर्स दिए उसको चेक कीजिए कि वो सही है या नहीं, पर अगर कुछ गलती लगती है तो फिर से इस वीडियो को रिवाइंड कीजिए और सारी एंट्रीज को रिकॉल कीजिए। तो यहाँ पे ये सेशन खत्म हो रहा है। आप इस पैम्पलेट में जो आपको ये टॉपिक की एंट्रीज दी है उसमें से भी आप अच्छे से पढ़िए, अपनी नोटबुक में भी इसको नोट डाउन कर दीजिए और इसको जहां तक हो सके वहां तक माइंड में रिपीट करते रहिए ताकि आपको कॉन्सेप्चुअली सारी एंट्री क्लियर हो। एंड दिस इज द एंड फ्रॉम माय साइड। आई होप कि ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्रिस्टल क्लियर हुआ होगा। टिल देन गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।